हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी वायरस इस वीडियो में हम एथमेटिक क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होगा नंबर्स पे प्रॉफिट लॉस पे एवरेज पे एंड मेरी मोर एंड एज वी ऑल नो की लड़का मेन्स आने वाला है एंड आर आर वी पी यू का मेन्स आने वाला है तो काफी इंपॉर्टेंट है एथमेटिक बिकॉज इससे दस या पंद्रह क्वेश्चन पक्का आएंगे सो so, काफ़ी कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें इस वीडियो में हम देखेंगे सो लेट्स मूव एट सो गाइज लेट्स यूर फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवेन इफ द पोजिशन ऑफ द टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज मतलब कि दो डिजिट नंबर है सपोज ए एंड बी उनका पोजिशन को इंटरचेंज कर दिया गया पहले ए बी था अब क्या हो गया है बी ए द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर दैन ओरिजिनल नंबर बाई एटीन अब जो नया नंबर बना है ये वाला ये नंबर इस नंबर से बड़ा है कितने से अट्ठारह से मतलब इन दोनों में डिफरेंस है एटीन का ओके okay? अब कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज सिक्स व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर अगर दोनों का जो डिजिट्स है उनका सम क्या है सिक्स डेट इज ए प्लस बी और बी प्लस ए इज सिक्स देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ये नंबर कौन सा होगा जो ओरिजिनल नंबर है गाइज ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है कि हम ऑप्शन को चेक करें बेस्ट वे ये है कि हम ऑप्शन को चेक करें सिक्सटी अगर हम इसको ऐड करेंगे सिक्स प्लस फोर को वी गेट वॉट टेन सो नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स क्या है सिक्स है ओके नॉट पॉसिबल फोर प्लस सिक्स इज टेन अगेन नॉट पॉसिबल नाउ फोर प्लस टू इज सिक्स ओके ये पॉसिबल है फोर्टी टू इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे इट बिकम्स वॉट ट्वेंटी फोर लेकिन जो ओरिजिनल नंबर क्या है वो छोटा है बड़े नंबर से अट्ठारह से इनमें तो गैप है एटीन का बट ये जो नंबर है फोर्टी टू ये एक ओरिजिनल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज ये बड़ा है लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर जो पक्का छोटा होगा ऑप्शन डी ट्वेंटी फोर पक्का होगा ट्वेंटी फोर ओरिजिनल नंबर है इसको इंटरचेंज किया इट बिकम्स फोर्टी टू एंड इनमें डिफरेंस कितना का हो गया अठारह का एंड जो इनका जो डिजिट्स uh, का सम है वो कितने का है सिक्स का है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट Guys, ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है बेस्ट तरीका यह है कि ऑप्शन को चेक करो आंसर आराम से निकल जाएगा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर टू मनोज सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड ओके मनोज ने एक आर्टिकल को सेल किया पंद्रह हजार में एसपी हो गया हैडी ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ही वुड हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज सॉरी ऑफ एट परसेंट अगर मनोज ने इस पर टेन परसेंट का डिस्काउंट दिया होता देन उसको कितना प्रॉफिट मिलता एट परसेंट का ओके देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है काइस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पहले सेलिंग प्राइस क्या था पंद्रह हजार अब कह रहा है इस सेलिंग प्राइस पे अगर मनोज टेन परसेंट का डिस्काउंट देता टेन परसेंट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड बिकॉज यहां पे कह रहा है टेन परसेंट का डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे देन क्या होता पंद्रह सौ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड का डिस्काउंट होता एंड अब जो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होता डैट इज न्यू सेलिंग प्राइस लिखता हूँ यहाँ पे 15,000 थाउजेंड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड डेट इज रुपीज थर्टीन थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बिकॉज कह रहा है अगर वो पंद्रह सौ का डिस्काउंट देता इस सेलिंग प्राइस पे तो जो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा तेरह हजार पांच सौ अब प्रॉफिट कितना दे रखा है एट परसेंट प्रॉफिट इज वॉट एट परसेंट तो इतना पे सेल करने पे उसको मिल रहा है प्रॉफिट एट परसेंट का तो सीपी क्या होगा सो so, एसपी क्या हो जाएगा दैट इज हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू सौ इंटू एस पी सॉरी सी पी कॉस्ट प्राइस हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है मैं इेज करता हूं एंड आई वेरी सॉरी फॉर द पोअर हैंड राइटिंग मैं यहां लिखता हूं सो एस पी क्या है हमारा तेरह हजार पांच सौ इंटू एक सौ आठ अपॉन हंड्रेड इंटू वॉट सी पी सीपी क्या होगा तेरह हजार पाँच सौ आप काट भी सकते हो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ एक्सप्लेन करके इंटू सौ बॉन एक सौ आठ काट दो पच्चीस सॉरी चार से काट दो गेट ट्वेंटी सेवन हेयर एंड गेट ट्वेंटी फाइव हेयर एंड अगर सत्ताईस को मल्टीप्लाई करेंगे पाँच से गेट वाट वन थर्टी फाइव सो फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव इज वाट बारह हजार पाँच सौ एक सौ पच्चीस हाँ बारह हजार पाँच सौ सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री श्रुति डिसाइड टू तो डोनेट परसेंट ऑफ हर सैलरी टू ऑर्फनेज श्रुति ने डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी का ट्वेल्व परसेंट दे देगी ऑर्फनेज को ओके ऑन द डे ऑफ डोनेशन सी चेंज हर माइंड एंड डोनेटेड रूपीज थ्री वन फाइव जीरो विच वॉज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सी आर डिसाइडेड अर्लीयर लेकिन जब उसको डोनेशन देना था उसे अपना माइंड को चेंज कर लिया उसने डोनेट कितना किया रुपीज थ्री वन फाइव जीरो विच वॉज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वॉट जो उसने पहले डिसाइड किया था दैट इज ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स एक्स क्या सैलरी पहले उसने यह डिसाइड किया कि वो ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स देगी दैट इज ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी लेकिन बाद में उसने दिया इसका सेवनटी फाइव परसेंट ठीक है अब फाइन करते हैं सॉल्व कर दो थ्री वन फाइव ज़ीरो वाट इज सेवेंटी फाइव परसेंट थ्री बाई फोर इन टू ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड इंटू एक्स काट दो थ्री से नाउ थ्री वन फाइव ज़ीरो को नाइन इधर आ जाएगा इन टू हंड्रेड इक्वल टू एक्स कट जाएगा पक्का नाव से 3 4 45 50 so answer is 35000 so option b is correct where is the question maximum a 2 minutes to get one mark now question 4 a shopkeeper labeled the price of his articles so as to earn a profit of 30% on the cost price he then sold the articles by offering a 10% discount on the labeled price कह रहा कि एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया ऐसा प्राइस को बढ़ा दिया ताकि उससे प्रॉफिट मिल रहा है थर्टी परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है थर्टी परसेंट का मतलब कि सपोज़ किसी सामान का कॉस्ट प्राइस है उस पर थर्टी परसेंट बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है थर्टी परसेंट का एंड जो लेबल प्राइस है डेट इज़ मार्क प्राइस ये हो गया अब इस मार्क प्राइस पे वो टेन परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है एंड देने के बाद क्या हो गया सेलिंग प्राइस पहले कॉस्ट प्राइस था इस पे दाम बढ़ाकर थर्टी परसेंट का मार्क प्राइस कर दिया एंड इस मार्क प्राइस पे टेन परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट अर्न इन द डील एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा तो गाइज अगर हम ये निकाल लेंगे सी एन एस पी निकाल लेंगे हमें मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट इज वॉट प्रॉफिट अपॉन सी पी इन टू हंड्रेड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सौ मान लो मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस है रुपीज हंड्रेड इस पर थर्टी परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है कैसे मिल रहा है थर्टी परसेंट का प्राइस और बढ़ा के सो गाइज वाट इज थर्टी परसेंट ऑफ हंड्रेड रुपीज थर्टी प्रॉफिट अभी मिल रहा है उसको थर्टी का तो अब क्या हो जाएगा मार्क प्राइस डैट इज रुपीज वन थर्टी मतलब सौ का सामान बेच रहा है एक सौ तीस रुपये में ठीक है अब इस पे दे रहा है डिस्काउंट टेन परसेंट का इस मार्क प्राइस पे सो वॉट इज टेन परसेंट ऑफ वन थर्टी रुपीज थर्टीन तो अब जो सेलिंग प्राइस हो गया डैट इज वन थर्टी माइनस थर्टीन डैट इज वन वन सेवन तो पहले कॉस्ट प्राइस था रुपीज सौ एंड सेलिंग प्राइस क्या है अभी वन वन सेवन तो प्रॉफिट कितने का हो गया एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज वन वन सेवन माइनस हंड्रेड डैट इज सेवनटीन अब निकाल दो सत्रह सी क्या है सौ इंटू सौ काट दो सेवनटीन परसेंट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज बेस्ड ऑन एवरेज The average temperature on Monday, Tuesday, and Wednesday was 32 degrees Celsius. Okay. The average temperature on Tuesday, Wednesday, and Thursday was 31 degrees Celsius. Okay. If the temperature on Thursday was 30 33 degrees Celsius, what was the temperature on Monday? Okay. So, guys, it is given average of temperature on Monday, Tuesday, and Wednesday that is 32 degrees Celsius.

थर्टी टू इंटू थ्री इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेट इज नाइन्टी सिक्स तो हमें पहले ये मिला कि मंडे का टेम्परेचर मिला के ट्यूजडे का मिला के एंड वे का मिला के वी नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस अब क्या दे रखा है ट्यूजडे वे एंड थर्सडे का मिला के थर्टी वन डिग्री सेल्सियस सो ट्यूजडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे अपॉन थ्री इन टू थर्टी वन इज इक्वल टू थर्टी वन बिकॉज ये एवरेज है दिस इज एवरेज सो टूजे वे एंड थर्सडे इज इक्वल टू इनका सम क्या होगा थर्टी वन इंटू थ्री डैट इज नाइन्टी थ्री अब कह रहा है टेम्परेचर ऑन थर्सडे वर्स थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस जो थर्सडे का टेम्परेचर है वह है थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस मतलब कि यहां पर क्या आएगा वेट थर्टी थ्री सॉरी डिग्री अब कह रहे वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑन मंडे टेम्परेचर क्या होगा मंडे का तो गाइज अगर हम यहाँ पुट कर देंगे थर्टी थ्री जहां पर थर्सडे है वी गेट वॉट ट्यूजडे प्लस वेन्डसडे का टेम्परेचर इज इक्वल टू नाइनटी थ्री माइनस थर्टी थ्री डैट इज सिक्सटी अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे वेट इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे सो मंडे प्लस प्लसटी इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स सो मंडे इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स माइनस सिक्सटी डेट इज थर्टी सिक्स सो आंसर सी इज करेक्ट क्लासेस में मैं और वीडियोस कवर करूंगा प्लीज लाइक करें कमेंट करें अपने फीडबैक दें इस वीडियो के बारे में एंड प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ताकि उनको भी लाभ मिल सके एंड अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आप यहां क्लिक करें प्ले में यहाँ पे सारे वीडियोस लाइक परसेंटेज डायरेक्शन सेंस पजल्स सब कुछ सीक्वेंस में एंड गाइज मैंने एक पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है पजल वन वीडियो पेन ड्राइव कोर्स इस कोर्स के अंदर सारे काइंड ऑफ विडियोज है जो लेवल टू लेवल थ्री वीडियोज है एंड टोटल वन थर्टी फाइव पजल्स है इसके अंदर Uh, सारे पजल्स लाइक बॉक्स पजल कैलेंडर बेस्ड पजल टे बेस्ड पजल लीनियर पजल इन साइड आउटसाइड विथ पैरामीटर्स सारे काइंड ऑफ पजल्स है जो एग्जाम में आते हैं जो लेवल टू लेवल थ्री पजल्स है अगर आपको खरीदना है तो नहीं, प्लीज विजिट स्टडी वायरस डॉट कॉम ठीक है एंड हम ट्विटर पे भी है एंड फेसबुक पे भी है हमारा ग्रुप है स्टडी वायरस के नाम से मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके चेक करें एंड प्लीज ज्वाइन एंड लाइक अवर फेसबुक पेज ज्वाइन करें हमारे ग्रुप को एंड पेज को लाइक करें एंड जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी वायरस बिकॉज आजकल मैं रोज डाल रहा हूँ वीडियोज एंड सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपको मेल जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है सो so प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक्स लॉड एंड हैव अ गुड डे